नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल सेट देखने वाले हैं। मॉडल सेट, इस मॉडल सेट में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। मैं आपको पहले से भी प्रत्येक बार बताते आ रहा हूँ कि मैं ये 30-30 प्रश्न का ये मॉडल सेट बनाया हूँ, जो प्रत्येक दिन आपको 30 जून तक मिलता रहेगा। 30 जून तक सभी सब्जेक्टों का, EBS का भी 30 प्रश्न, मैथ का भी 30 प्रश्न, हिंदी का भी 30 प्रश्न, और इसी तरह से CDP का भी 30 प्रश्न। और दूसरी चीज़ मैं आप सभी को बताया हूँ दोस्तों कि CDP आपका मूलाधार है। यदि आप CDP को क्लियर कर गए, CDP के एक एक बात को समझ गए, तो EBS का जो 15 नंबर पेडागोजी का है वह आपका 15 सिक्योर हो जाएगा। मैथ का पेडागोजी 15 ये सिक्योर हो जाएगा। हिंदी का पेडागोजी और एक और जो भाषा जो भी आप रखे होंगे उसका 15, यानी 60 नंबर इधर और 30 यहाँ पर CDP का, 90 मार्क्स आपके क्लियर हो जाते हैं। इसलिए सबसे अधिक समय, मैं हमेशा कहता हूँ कि आधा समय आप CDP को करने में दे दें। यदि आपका CDP क्लियर हो गया तो सोचिए आपका किला फतह हो गया। उसके बाद जो 15-15 समय बचता है ना, उतना लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी होता है जो 40 या 50 नंबर, ये 30 नंबर या 40 नंबर ले ही आएगा, यानी 110 से प्लस आपका मार्क्स आना ही आना है। तो चलिए इसी पर हम लोग, यही ध्यान में रख करके हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। और इसी पर पहला प्रश्न यहाँ पर आप सब देख रहे होंगे, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू की उपेक्षा होती है। यहाँ पर 4 पहलू दिया गया है, इसमें से 4 में से 3 पहलू पर विशेष ध्यान वाइगोत्स्की देता है, लेकिन एक पहलू पर वाइगोत्स्की ध्यान नहीं दे रहा है। कौन सा पहलू है यह बताना है दोस्तों। सबसे पहले वाइगोत्स्की का सिद्धांत को फिर से एक बार देख लें। इसके सिद्धांत के अनुसार बच्चों का जो हर प्रकार का विकास है, चाहे जिस प्रकार का भी विकास हो, सामाजिक विकास, भाषिक विकास, कौशलात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जो भी विकास हो, हर प्रकार का विकास, हर प्रकार के विकास में उसके समाज का अहम रोल होता है, उसके समाज का सबसे अधिक योगदान होता है। जब वह समाज में घुलता मिलता है, समाज के साथ अंतरक क्रिया करता है, समाज के साथ अपने विचारों को शेयर करता है, दूसरे के विचारों को सुनता है, अनुकरण करता है, तो उसका बच्चों का विकास होता है। जिस तरह का समाज रहेगा उसी तरह बच्चों का विकास भी होगा। तो ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहता है दोस्तों। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, समाज पर सबसे अधिक बल दिया है। इसमें देखिए समाज से भिन्न क्या है, आपका जैविक माता पिता अनि आनुवंशिकता, इस पर ये ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये आपका इसको उपेक्षित किया गया है। बात समझ में आ गया होगा दोस्तों कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत हमेशा समाज पर विशेष जोर देता है। तो समाज से रिलेटेड जो भी हैं उस पहलुओं पर ये ज़्यादा ध्यान देता है, और समाज से जुड़े हुए जो पहलू नहीं है उसकी उपेक्षा करता है। तो जैविक यानी आनुवंशिकता पर यह वाइगोत्स्की ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए यह जो है जैविक यानी आनुवंशिकता की उपेक्षा की गई है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। आप सभी ये जान रहे हैं कि ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के ये चरण हैं, स्तर हैं। पियाजे ने 4 स्तर में इसे बांटा है। यहाँ चारों स्तर का फिर से आज हम लोग थोड़ा सा बात कर लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहला जो आता है पियाजे के अनुसार वह स्तर है पहला, ये इंद्रजनित गामक स्तर। इस स्तर में बालक
जब बालकों को भूख लगता है तो रोकर अपने विचार को व्यक्त करना चाहता है कि मुझे भूख लग गई है। और सबसे पहले इसका जो एज उम्र का है, यह जन्म से लेकर दो वर्ष तक, जन्म से लेकर दो वर्ष तक के आयु को इस स्तर में रखा है, इंद्रजनित गामक स्तर। यहाँ पर बच्चे आँख से, कान से और नाक से सोचता है। यहाँ पर सोचने की प्रक्रिया कहाँ कहाँ से होता है? आँख, कान और नाक से। यानी जो जो वस्तु को प्रत्यक्ष देख रहा है उसी के लिए उसका कोई अस्तित्व है, ये जन्म से दो वर्ष तक का। उसके बाद का आता है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, दो से सात वर्ष। दो से सात वर्ष, इसमें जो सबसे मुख्य होता है, यहाँ पर भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, पूर्ण नहीं होता है, ध्यान दीजिए। भाषा का विकास का प्रारंभ हो जाता है। मतलब आप देखिए, दो वर्ष के बाद बच्चे बोलने लगते हैं, उनमें भाषाई ज्ञान बढ़ने लगता है, बहुत सारे शब्दों की जानकारी उसे होने लगता है, जो शब्द भंडार है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और इसी उम्र में बच्चे विद्यालय भी जाने शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पूर्व संक्रियात्मक स्तर का सबसे मुख्य बिंदु है वह है यहाँ पर भाषा का विकास का प्रारंभ होना। उसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, सात से ग्यारह वर्ष। सात से ग्यारह वर्ष, यहाँ पर बच्चे चिंतन स्टार्ट कर देते हैं। चिंतन, यहाँ पर जो सबसे और वस्तुओं को पहचानता है, वस्तु को पहचानना, वस्तु का विभेदीकरण, ये बार बार पूछता है दोस्तों, विभेदीकरण और वर्गीकरण, ये इस स्तर का मुख्य चीज है। वस्तु की पहचान, वस्तु का विभेदीकरण और वस्तु का वर्गीकरण आपका कौन सा स्तर में होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर में, जिसकी उम्र सात से ग्यारह वर्ष है। और सबसे अंत में आता है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, जो ग्यारह वर्ष से आगे, ग्यारह वर्ष से आगे आता है। और यहाँ पर देखिए, यह अवस्था प्रौढ़ावस्था तक चला जाता है। यहाँ पर भाषा संबंधी विकास संपन्न हो जाता है। इस अवस्था में अनेक संक्रियाएं करने के लिए शुरू कर देता है। यानी ये समस्या समाधान, सोचने का तरीका, सब कुछ का विकास होने लगता है, बच्चे खुद निर्णय लेने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न था, आँख, कान और हाथों से सोचता है, कौन सा स्तर? अब आप ही लोग बताएं। आँख, कान हमने बताया है, इसमें इंद्रजनित गामक स्तर। दोस्तों, बार बार इस तरह से जब मैं डिफाइन कर देता हूँ तो मुझे लगता है बार बार जब आपके दिमाग में जाएगा तो आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम है ना, 6 जुलाई तक आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। और मैं बैठा दूंगा दोस्तों, बार बार इस तरह से करके आपके दिमाग में मैं इसे बैठा दूंगा। चूंकि प्रत्येक दिन 30 प्रश्न दे रहा हूं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास। किसका विकास? संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? समर्थित मतलब किसके द्वारा सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्या आप करेंगे जिससे बच्चों में संज्ञानात्मक विकास सबसे अधिक होगा? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। यानी अधिक से अधिक कहता है परीक्षा जब आप लेंगे तो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होगा। दूसरा, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। पारंपरिक पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने वाला अधिक से अधिक गतिविधि देना। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण इस तरह का वातावरण उपलब्ध कराना। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों, यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास
को बढ़ावा देना है। तो इसके लिए जब आप समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराएंगे बच्चों को, अच्छे वातावरण देंगे जहाँ पर अच्छा भाषा का प्रचलन हो, अच्छे व्यवहार का प्रचलन हो, तो विविधतापूर्ण वातावरण हो, तो यहाँ पर बच्चों का विकास, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सबसे अधिक होता है। चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देखें, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? नैतिकता की अनुपस्थिति को स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2, इसको हम लोग थोड़ा सा अधिक डीपली थोड़ा यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। अरे रे, तुम लोग इतना हल्ला करता है, यहाँ आवाज बात बंद करो। एक दिन जब कहा है तुम लोग सुनता नहीं है, धीरे से नहीं बोल पाता है।
सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक बाल केंद्रित कक्षा की। कौन सा कक्षा की बात कर रहे हैं? बाल केंद्रित कक्षा। ध्यान रखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक है जॉन डीवी और भारत में गिजू भाई बधेका, भारत में सर्वाधिक इनका योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा के प्रचार प्रसार में, और बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक हैं जॉन डीवी। तो यहाँ पर बच्चे सामान्यतः सीखते हैं कक्षा में, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं? बाल केंद्रित कक्षा में व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिक रूप से समूह में। दोस्तों जब बाल केंद्रित कक्षा रहता है तो बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे व्यक्तिक रूप से भी सीखते हैं और समूह दोनों रूपों से सीखते हैं। तो आपका राइट आंसर ये होगा। 19वां प्रश्न आपके सामने है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा ध्यान, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। यहाँ पर दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा पर निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? देखिए, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार ये हो सकता है, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा ध्यान ये भी हो सकता है, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना ये गलत लिख दिया है। यहाँ पर
प्रत्येक बालक को हम पृथक रूप से बच्चों पर ध्यान देते हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है। ध्यान दिया जाता है, यहाँ लिख दिया ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ये होगा, ये संभव नहीं। 20वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली, कौन प्रणाली? प्रोजेक्ट प्रणाली। पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रणाली जो है, इसका प्रयोग, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग हम लोग प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली के लिए करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के लिए करते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जान लें। प्रगतिशील शिक्षा एक जटिल पारंपरिक शिक्षण प्रणाली है, जटिल पारंपरिक शिक्षण प्रणाली है। इस शिक्षण प्रणाली का विकास करने का जो श्रेय जाता है जॉन डीवी को जाता है, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। और प्रगतिशील शिक्षा का जो एकमात्र उद्देश्य है बालकों का समग्र विकास करना, आपका प्रगतिशील शिक्षा का ये उद्देश्य है, बालकों का समग्र ये। अब इसके अंतर्गत कौन कौन विधि आती है? सबसे पहले हम लोग देखें, आप प्रोजेक्ट प्रणाली हुआ। दूसरा, समस्या विधि। प्रोजेक्ट प्रणाली को परियोजना विधि भी बोलते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, हो सकता है कहीं पर परियोजना विधि भी लिख दे। परियोजना विधि कहिए या प्रोजेक्ट प्रणाली कहिए, दोनों एक ही है। दूसरा, समस्या विधि। तीसरा है क्रिया कलाप विधि। इन विधि के द्वारा हम प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को शिक्षा देते हैं। परियोजना विधि हो या प्रोजेक्ट विधि हो, समस्या विधि हो या फिर क्रियाकलाप विधि हो। और इसके जो समर्थक है, इसको विकसित करने वाले हैं, जॉन डीवी है, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। 21वां प्रश्न देखिए, कहते हैं कि सिद्धांत के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और बनाने पर जोर दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा, सार्वभौमिकता प्रगतिशील, बाल केंद्रित शिक्षा, आवश्यक प्रगतिशील, निःशुल्क। देखिए, यहाँ पर जो प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत है, प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया है। अनिवार्य और सार्वभौमिक, इसका सिद्धांत के अनुसार, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार बालकों का सर्वांगीण यानी समग्र विकास करना है, बालकों का समग्र विकास करना है। और प्रगतिशील शिक्षा में पढ़ाने को जो विधि है वह है प्रोजेक्ट प्रणाली यानी परियोजना विधि, समस्या विधि, क्रियाकलाप विधि। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर करें। आपका एक एक लाइक मेरा मनोबल को बढ़ाता है। वीडियो बनाने में बहुत समय देना पड़ता है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, तब एक वीडियो बनता है। तो आप लोग भी मेरा मनोबल को बढ़ाएं, इसके लिए वीडियो को लाइक करें। मुझे पता लगेगा कि जो मेरा ये परिश्रम कर रहा हूँ वो परिश्रम सार्थक हो रहा है, आप लोगों को पसंद हो रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर आप नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहाँ पर आपकी बेहतरीन तैयारी होने वाली है, हर एक बिंदु पर अलग अलग चर्चा होने वाला है, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। और दोस्तों, आप सभी को एक चीज़ और मैं बता दूं कि मेरा 1 जून से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एक क्रैश कोर्स एक तरह का रामबाण होगा दोस्तों, उन लोगों के लिए जो सीटेट को एक बार में ही क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। सीटेट में 110+ का अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके रखें कि हमको 110 से अधिक मार्क्स लाना है, उन लोगों के लिए मेरा क्रैश कोर्स बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ पर आपकी बेहतरीन तैयारी
करने के लिए प्रत्येक दिन 4 क्लासेज होंगे। आपका ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, इन सभी के माध्यम से बेहतरीन तैयारी होगा। यदि आप भी अपने मेरे क्रैश कोर्स में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी फी मात्र बहुत कम लागत खर्चा 200 रुपये। चूँकि हम भी अपने यहाँ काम करने के लिए स्टूडेंट ये किसी को रखा हूँ जो टाइपिंग कर देता है और कुछ मेरा मदद कर देता है वीडियो बनाने में, तो उसका जो लागत है बस उतना ही, मात्र 200 रुपये आपका फी है एक माह का क्रैश कोर्स का। ये मात्र 30 दिनों का ही ये क्रैश कोर्स है, 30 दिनों में समाप्त होगा। और यहाँ पर एक एक बिंदु पर हम विशेष गहनता रूप से चर्चा करेंगे ताकि जो संशय वाले हैं, जो बिंदु संशय वाले हैं, जहाँ पर लग रहा है कि ये बिंदु संशय वाला होगा, उसी बिंदु पर ज़्यादा हम चर्चा कर रहे हैं। और मैथ में आपको एक से एक ट्रिक्स और टिप्स मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों, बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग हमसे ज़रूर जुड़ें और तैयारी करें। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, मैसेज मेरे व्हाट्सएप पर करना है 94-709-18-896। देखिए, 1 जून को क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा रात से, तो आप 1 जून के पहले, आज 29 हो गया, कल 30 हो गया, आज और कल आपके पास सुनहरा अवसर है, आज और कल में आप क्रैश कोर्स में एडमिशन करा लें, रजिस्ट्रेशन करा लें। आपको ये इस व्हाट्सएप नंबर पर क्रैश कोर्स लिख करके मैसेज भेजना है। हम यहाँ से कैसे आप 200 रुपये पैक करेंगे उसका मैं डिटेल भेज दूँगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा बार बार आ रहा है। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, इसमें सिद्धांत के रटने पर जोर दिया जाता है, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। हम लोगों ने देखा है कि इसका जो शिक्षण विधि है, परियोजना विधि है यानी प्रोजेक्ट विधि है, समस्या विधि है और क्रियाकलाप विधि है। ये सभी तो व्यवहारिक विधि हैं, इसमें सबसे अधिक प्रयोग होता है, तो इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाता है प्रगतिशील शिक्षा में। 23वां प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है? रुचि और प्रयास, आवश्यकता एवं अभिप्रेरण, व्यक्ति विभिन्न एवं रुचि, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किन दो तत्वों को, कौन कौन सा दो तत्व है जिसको विशेष महत्वपूर्ण माना गया है? यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जो मुख्य तत्व हैं वह है, पहला तत्व रुचि और दूसरा तत्व है प्रयास। पहला तत्व है बच्चों की रुचि और प्रयास है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है? मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, संरचनावादी शिक्षा प्रणाली, मानवतावादी शिक्षा प्रणाली, समाजवादी शिक्षा प्रणाली। यहाँ पर किस प्रणाली तहत बच्चों के विश्लेषण और पर्यवेक्षण पर बल दिया है? विश्लेषण और पर्यवेक्षण पर। दोस्तों, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली जो है, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, इस प्रणाली पर विश्लेषण और पर्यवेक्षण पर सबसे अधिक बल दिया गया है। सर्वशिक्षा अभियान की शुरुआत 2000-2001 में हुआ था। सब पढ़ें का नारा दिया गया सर्वशिक्षा अभियान के तहत, डिजिटल इसके अंतर्गत सर्वशिक्षा अभियान का नारा है सब पढ़ें सब बढ़ें। आप देखिएगा, विद्यालयों में एक पेंसिल रहेगा, इस पेंसिल में एक तरफ लड़का आगे बैठा रहेगा और लड़की, और यहाँ लिखा रहेगा सब पढ़ें सब बढ़ें। तो ये सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा आपका सर्वशिक्षा अभियान के तहत इसी का नारा है, सर्वशिक्षा अभियान का ही नारा है सब पढ़ें सब बढ़ें। 27वां प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है?
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन। दंडनात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। यहाँ देखिए, अनिवार्य शब्द है, आपका उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। यह आपका 27 का आंसर हुआ। 28 का आंसर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समायोजित है, समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है, अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है, यह आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। आयु के अनुसार, जैसे कोई 12 वर्ष का बच्चा स्कूल में, विद्यालय में एडमिशन के लिए आएगा, ये प्रथम बार विद्यालय आ रहा है, तो इसको प्रथम बार आ रहा है तो इसको पहला क्लास में एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन नहीं, इसका आयु 12 वर्ष में किस आयु के लायक होना चाहिए, छठी, सातवीं, पाँचवीं, तो इस क्लास में हम एडमिशन लेंगे, इसके लिए रिमेडियल कोचिंग करेंगे और बच्चों का जो स्तर है इस स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह बच्चा बैठेगा छठी में या सातवीं में। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्तिगत अंतर, बाल अधिकार, बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सभी बच्चों सभी संदर्भों में समान होते हैं। तो ये क्या होगा? इसका हो जाएगा बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अंतिम प्रश्न है आज का, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे अच्छा विशेषता कौन सा मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए धैर्य और दृढ़ता, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, नए चीज़ों के साथ में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।